हैं। आज एक तरफ पूरा प्रदेश हिमाचल निर्माता की जयंती पर कार्यक्रम मना रहा, हर्षोल्लास से मना रहे हैं, और हमने भी नाहन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की माध्यम से एक यहाँ पौधारोपण का कार्यक्रम रखा था। लेकिन बड़ी विडंबना है, ये कैसी जयराम सरकार है, ये कैसा जिला का प्रशासन है, ये कैसे वन विभाग के अधिकारी हैं। आज डॉक्टर परमार की स्मृति में किए जाने वाले पौधारोपण पे भी हमारे स्थानीय विधायक ने यहाँ पर अड़ंगा अड़ाया, राजनीति का खड़ा बना दिया है हर कार्यक्रम का। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। 3 दिन पहले विभाग को इन्फॉर्म किया गया, उन्होंने जगह निर्धारित की, पौधों का वितरण हुआ, खड्डे भी विभाग के कर्मचारियों ने बेचारों ने खोद दिए, और आज यहाँ 500 लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और पौधारोपण के लिए जैसे हम जाने लगे, वहाँ फॉरेस्ट वन विभाग का एक कर्मचारी, उसने बोला कि आरओ साहब ने कहा है कि भी अंदर आप पौधारोपण नहीं करेंगे, और उन्होंने तार बाड़ कर दी, वहाँ हमें अंदर प्रवेश करने का भी इजाज़त नहीं दे रहे थे। बड़ी विडम्बना है साथियों। मैं इसलिए आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि ये किस तरह का राजनीतिक स्तर हमारे प्रदेश का हो गया है। आज पौधा लगाने से भी कांग्रेसियों को रोका जा रहा है, और ये जो यहाँ इतनी प्रबुद्ध जनताएं हैं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, स्थानीय पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि सब यहाँ एकत्रित है, उनका सबका अपमान किया। हम बाहर यहाँ पर 15-20 मिनट तक खड़े रहे, मैंने खुद आरओ साहब से बात करी, आरओ साहब ये कहते हैं कि मेरी नौकरी को खतरा है जी, प्लीज़ पौधे ले जाओ और कहीं और लगा दो। मैंने खुद जिलाधीश मौके से बात करी, डीसी साहब से बात करी, डीसी साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि आप पौधारोपण करें, पौधारोपण करने में कोई रोक नहीं है, आप अवश्य पौधारोपण। फिर हम आज यहाँ पौधा रोपण करके अभी आए हैं, हमने लगभग 550-600 पौधों का यहाँ रोपण किया है। मैं आपके माध्यम से सभी स्थानीय लोगों का भी और विभिन्न पंचायतों से आए लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ, लेकिन आज मुझे आपके माध्यम से इसलिए बोलना पड़ रहा है कि ये कहाँ को हम जा रहे हैं, डॉक्टर परमार को क्या श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्या सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से और स्थानीय विधायक की तरफ से ये श्रद्धांजलि है डॉक्टर परमार को। एक तरफ झूठे वायदे करते हैं, झूठे ढोल पीटते हैं, उनके नाम के ढोल पीटते हैं, एक तरफ डॉक्टर परमार की स्मृति में मनाए जाने वाले पौधारोपण कार्यक्रम को रोकने का प्रयास करते हैं, हम इनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और चेतावनी देते हैं।